वेलकम टू माय चैनल यूएस किचन एंड ब्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं कीमा करेले की रेसिपीज़। सबसे पहले हमने करेले लेने हैं और उनको धोना है, धो के अच्छे से ड्राई करना है, उसके बाद इस तरह से काट लेने। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे करेले कड़वे बहुत होते हैं। उसका ये होता है कि जो करेले होते हैं वो हमने पहले से ही धोने हैं, काट के नहीं धोने हैं, क्योंकि काट के धोएंगे तो उसकी कड़वाहट जो है वो फिर आती है ज़्यादा। तो इसलिए हमने पहले करेले अच्छे से धोने हैं, धो के फिर उनको ड्राई करना है। ड्राई करके इस तरह काटना है, नमक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए जी, हमने ऑयल लिया है, ठीक है। इसमें अब जैसे ये गर्म हो गए, इसमें हम ऐड कर देंगे करेले। हमारा ऑयल हो गया गर्म, अब हम इसमें करेले ऐड करने लगे। ये देखें, इनको हमने सही अच्छे से फ्राई करना है पहले। ये जितनी देर में फ्राई हो रहे हैं, मैं साथ लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँ तब तक। ये देखें जी, हमारे करेले फ्राई होना लग पड़ी हैं। थोड़े से और हमने करने, ये वैसे खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के खाना पसंद करते हैं। मेरे फैमिली वाले तो इस तरह के नहीं खाने पसंद करते, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी अभी। ये देखें जी, करेले फ्राई हो गए, आप हम इनको निकाल दिए। अब हम इसमें डाले हैं प्याज। प्याजों को हल्का ब्राउन करके फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लाइट ब्राउन हो गया प्याज, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, प्याज हो गया हमारे फ्राई, और अब हम इसमें ऐड करने लगे कीमा। वो इसलिए कि ताकि इसमें से ना स्मेल ना आए। फिर दो तीन मिनट तक इस तरह इसमें चम्मच हिलाते रहना और इसको अच्छे से भून के, एक दो मिनट के लिए इसको भूनना है इस तरह से, ताकि इसमें से स्मेल चली जाए। अब हम ऐड करने लगे हैं नमक, आधी टी स्पून, एक टी स्पून रेड मिर्ची। वो इसलिए आपके अपनी मर्जी, जितने भी आप स्पाइसी खाते हैं या एक टी स्पून सूखा धनिया और ऐड कर टी स्पून हल्दी का। ये देखिए, अब इसके बाद हम ऐड करने लगे बीच में टमाटर और सब्जी मिर्च। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है। फिर इसको ऊपर से ढक के रख देना है दो तीन मिनट तक, ताकि टमाटर अच्छे से हमारे गल जाए। टमाटर भी सही अच्छे से गल गए। ये देखिए, इसे करके हमने मैश करना है ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करने लग गए। वो इसलिए मैंने अभी ऐड की क्योंकि अगर हम पहले ऐड करते ना, इसमें से कड़वा टेस्ट आता। ये देखिए जी, ये हो गया जी प्याज, अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे। देखिए जी, अब हम इसमें करेले ऐड करने लगे हैं। एक से दो मिनट इसको अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर अच्छे से और मैश हो जाए जो रह गए हैं। करेलों में भी कीमे का टेस्ट आ जाए। ये देखिए जी, रेसिपी हमारी तैयार होगी कीमा करेले की।
इसी तरह हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।